हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ के चैप्टर 3, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो अर्थ है उस पर इतना वाटर है 3/4, फिर भी वाटर की स्कैर्सिटी क्यों है। दो चीज़ देखेंगे, वाटर की स्कैर्सिटी, ठीक है, और वाटर का कंजर्वेशन। कि स्कैर्सिटी है तो हम क्या करते हैं उसको कंजर्व करने के लिए, समझ गए। इस चैप्टर का थीम वाटर की स्कार्सिटी और वाटर का कंजर्वेशन। चलो अब चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहे हैं, यू ऑलरेडी नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। कह रहा है कि हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ, उस पर तुम्हारा 3/4 जो है, इतना परसेंट तुम्हारा वाटर है। यानी कि 3/4 कहने का मतलब, देखो 100% से इसको मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो गया 25, तो कितना हो गया मल्टीप्लाई, ये दोनों होगा तो 3 और 25 75%। यानी कि 75% तुम्हारा अर्थ पर वाटर है, ठीक है। बट ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ इट अकाउंट्स फॉर फ्रेश वाटर दैट कैन बी पुट टू यूज़। लेकिन उतना पानी होने के बावजूद फ्रेश वाटर जो है ना हमारे पास, वो आपका बहुत कम है। यानी कि वो 75% में से, ठीक है, इतने में से बहुत कम है आपका फ्रेश वाटर। कितना कम है ये सारे चीज़ देखते हैं। दिस फ्रेश वाटर इज़ मेनली ऑब्टेंड फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर दैट इज़ कंटिन्यूली बींग रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ये जो फ्रेश वाटर है ना, ये या तो बारिश से मिलेगा हमें, ये फ्रेश वाटर या तो बारिश से मिलेगा या फिर ग्राउंड वाटर से। बारिश से सरफेस पर जो हो रहा है वो, ठीक है, और ग्राउंड वाटर जो सरफेस के नीचे वाटर है उससे। और ये जो है ना, ये जो वाटर के रिन्यू होने का जो प्रोसेस है, वाटर को बोला जाता है ना कि ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वाटर साइकिल से, वाटर साइकिल पर ही होगे तो उस वाटर साइकिल से बार बार रिन्यू होता है, ठीक है। पानी एवोपरेट करके ऊपर जाता है, बादल बनाता है, फिर वो जम 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 बारिश हो जाता है। समझ में आ गया आप लोग को। चलो, ऑल वाटर मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंश्योरिंग दैट वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। तो जितना भी वाटर मूव कर रहा है तुम्हारा इसमें वाटर साइकिल में, वो सारा ये बताता है कि वाटर जो है हमारा वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्स होने के बावजूद हमारे यहाँ स्कार्सिटी हो जाती है, कमी हो जाती है। क्यों होती है आगे देखेंगे। यू माइट वंडर दैट इफ 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड विथ वाटर एंड वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, देन हाउ इज इट दैट कंट्रीज एंड रीजन्स अराउंड द ग्लोब सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। वही जो मैंने कहा कि 3/4 वाटर होने के बावजूद हमारे यहाँ स्कार्सिटी है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, बाकी कंट्रीज़, बाकी रीजन्स में भी स्कार्सिटी है। तो ऐसा क्यों है, तो वाई इज़ इट प्रिडिक्टेड दैट बाई 2025 नियरली 2 बिलियन पीपल विल लीव इन एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी। और ऐसे क्यों प्रिडिक्शन किया गया, अनुमान लगाया गया है कि 2025 आते आते वाटर की स्कार्सिटी हो जाएगी, ऐसा क्यों देखते हैं। देखो वाटर के बारे में कुछ फैक्ट्स है, वो जान लो, जानना ज़रूरी है। 96.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स वाटर एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज ओशियन एंड ओनली 2.5% एज फ्रेश वाटर। देखो जो हमारा जो 75% वाटर है ना, यानी कि 3/4, ठीक है, उसमें से 96.5% जो है आपका वो ओशन के फॉर्म में है, और जो 2.5% है वो फ्रेश वाटर के फॉर्म में, और बाकी जो बचा वो वाटर वेपर इधर उधर हो गया, ठीक है, यानी कि वाटर वेपर के फॉर्म में वो चला गया एटमॉस्फेयर में। अब देखिए, तो ये जो 2.5% है ना फ्रेश वाटर, उसमें से 70% आपका फ्रेश वाटर आइस शीट्स और ग्लेशियर यानी कि बर्फ़ के फॉर्म में, जो कि आपको अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में है और माउंटेन रीजन में। ये अर्थ है ना हमारा, तो ये नीचे में अंटार्कटिका होता है, ऊपर में ग्रीनलैंड होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में और माउंटेन रीजन में हमारा हिमालय है ना। वाइल अ लिटिल लेस दैन 30% ऑफ इज स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड्स एक्वीफर्स, और बाकी क्या कह रहा है कि 70% आपका बर्फ़ के फॉर्म में है इस 2.5% में से, और बचा जो 30% वो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में। क्वेश्चन
कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करिएगा। इंडिया रिसीव्स नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल रैंक प्रेसिपिटेशन एंड रैंक्स 133 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। देखो हमारा जो इंडिया है ना, वो पानी के अवेलेबिलिटी के टर्म में, मतलब कि एक इंसान को जितना पानी मिलना चाहिए उसमें से इंसान को जितना पानी मिल रहा है उसके बेसिस पर हमारे इंडिया को 133 रैंक दिया गया है। टोटल शायद 150 कंट्री है, उस 150 कंट्री में से हमारे को रैंक मिला है 133, यानी कि पर पर्सन, एक पर्सन पर जितना पानी का ज़रूरत है एक ईयर में वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ना, तभी इतना नीचे रखा गया। वर्ल्ड का टोटल 4% हमारे यहाँ बारिश होता है। द टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड इतना किलोमीटर पर एनम। तो कह रहा है ये टोटल जो रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज है ना हमारे सिर्फ इंडिया का, वो इतना किलोमीटर पर साल, इतना स्क्वायर किलोमीटर पर साल रिन्यू हो जाता है। क्लियर? देखो ये कहने का मतलब था कि इतना डिस्टेंस का जो है ना, इतना डिस्टेंस का जो जितना भी वाटर है वो वाटर हमारा हर साल रिन्यू हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। चलो उसके बाद उसके आगे क्या है कि बाई 2025 इट इज़ प्रिडिक्टेड दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया विल जॉइन कंट्रीज और रीजन्स हैविंग एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी, यानी कि 2025 आते आते तक हर जगह वाटर की स्कार्सिटी होने लगेगी। ठीक है, अब देखो ये जो रिपोर्ट होता है ना, एक मिनट, ये जो रिपोर्ट होता है ना ये वाटर के बारे में, ठीक है, इसको पब्लिश करता है तुम्हारा यूनिट यूएन, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2003 के नाम से इसको पब्लिश किया गया। तो ये सोर्स है हमारा ये इंफॉर्मेशन का, ऐसे उसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो इतना नहीं पूछता। मेन जो है वो समझ लिए वाटर का कैसे कैसे है। 96.5% जो है वो ओशन के फॉर्म में, 2.5% फ्रेश वाटर के, 2.5 में से 70% है बर्फ के फॉर्म में और बचा 30% ग्राउंड वाटर। ठीक है, अब देखो वाटर स्कार्सिटी और कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। गिवन द अबंडेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दैट वी मे सफ़र फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। हमारे पास इतना ज़्यादा पानी है, ठीक है, और पानी रिन्यू भी कर रहा है, फिर भी ये तो इमेजिन करना इम्पॉसिबल है कि स्कार्सिटी होगा, है ना। जब पानी ढेर सारा है, पानी रिन्यू हो सकता है, तो फिर स्कार्सिटी कहाँ से होगा, सोचने वाली बात है। द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेज वी इमीजिएटली एसोशिएट इट विथ रीजन्स हैविंग लो रेनफॉल और दोज दैट आर ड्राउट प्रोन। तो देखो जब भी वाटर शॉर्टेज की बात आती है ना, तो हम लोग क्या सोचते हैं, या तो वहाँ बारिश बहुत कम होती होगी, बारिश कम होती होगी इसलिए वहाँ पर पानी कम होगा, या फिर वो पहले से वहाँ सूखा पड़ा रहता होगा, ठीक है, डिजर्ट वाला एरिया। वी इंस्टेंटेनियसली विजुअलाइज द डिजर्ट ऑफ राजस्थान एंड वोमेन बैलेंसिंग मेनी मटकाज यूज फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग वाटर एंड ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज टू गेट वाटर। तो देखो और क्या हम लोग सोचते हैं, पहले तो सोचे कि लो रेनफॉल होगा या फिर ड्राउट होगा, मतलब सूखा होगा वो ज़मीन, या फिर ये सोचते हैं डिजर्ट वाला, जो राजस्थान में जो डिजर्ट वाला एरिया है उसके बारे में सोचने लगते हैं हम लोग कि हाँ वहाँ तो वाटर का शॉर्टेज होगा, तभी तो वहाँ की वुमेन मटका ले लेकर एकदम दूर दूर ट्रैवल करती है जाकर पानी लाने के लिए। इतना समझ में आप लोग को? चलिए, तो ट्रू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। देखो वाटर कहाँ कितना होगा डिपेंड करता है स्पेस और टाइम पर, मतलब कि जगह, स्पेस में जगह और टाइम, ये तो समझ ही रहे हो, ठीक है। तो स्पेस और टाइम पर डिपेंड करता है कि वाटर कहाँ कितना अवेलेबल होगा, मेनली ड्यू टू द वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। और ख़ास करके जो सीजन में बारिश होता है, जो एनुअल कंप्लीट बारिश हुआ, सीजनल मतलब एक सीजन में कितना बारिश होगा, ठीक है, और एनुअल मतलब एक साल में कितना बारिश होगा, समझे इस चीज़ को। चलो, बट वाटर स्कार्सिटी इन मोस्ट केसेस इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉइटेशन। देखो मेन काउज तो समझ में आया, मेन काउज क्या है, प्रीसिपिटेशन, रेनफॉल, और अनदर काउज है वाटर का ओवर एक्सप्लॉइट करना, वाटर का एक्सेसिव यूज़ करना,
वाटर का अनइक्वल एक्सेस होना, किसी के पास वाटर बहुत ज़्यादा है, किसी के पास वाटर बहुत कम है, कोई इस वाटर को एकदम अपने फ़ायदे के लिए बेतरीके से यूज़ किया जा रहा है, जैसे ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे थे हम लोग, ठीक है, पहले के टाइम पर। तो ये सारा रीज़न है वाटर के स्कार्सिटी का, रीज़न क्या क्या है, मेनली है प्रिसिपिटेशन, उसके बाद ओवर एक्सप्लोइटेशन, एक्सेसिव यूज़ और अनइक्वल एक्सेस। इज इट क्लियर? अगर क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, उससे समझ में आता है कि हाँ तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। देखिए अब देखिए आगे। अकॉर्डिंग टू फाकेन मार्क, अ स्वीडिश एक्सपर्ट, वाटर स्ट्रेसेस अकर्स व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी इज बिटवीन इतना से इतना क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर। तो कहा गया है, बताया था ना कि एक पर्सन को जितना ज़रूरत है उतना वाटर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमारे इंडिया का रैंक 133 है। तो उस पर्सन की ज़रूरत कितनी है वाटर की एक साल में, वो यहाँ पर देखिए। तो एक स्वीडन के एक एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है फाकेन मार्क, तो इनका कहना है ना कि अगर 1000 से 1600 क्यूबिक मीटर के अगर बीच में है, ठीक है, वाटर, मतलब एक इंसान को अगर पूरे साल में 1000 से 1600 के बीच में अगर पानी मिल रहा है, तो वो वाटर अवेलेबिलिटी उसका काफ़ी कम होगा, वाटर स्कार्सिटी वाला उसका फेज होगा, ठीक है। और अगर 1000 से 1600 क्यूबिक मीटर के कहने का मतलब ये, ठीक है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो उसको वाटर का स्ट्रेस नहीं होगा, मतलब वाटर का स्कार्सिटी नहीं होगा, उसको प्रॉपर वाटर अवेलेबल होगा। लेकिन इसके बीच में जो है, ठीक है, जो भी इसके बीच में आता है उसको वाटर का अवेलेबिलिटी कम होगा, स्कार्सिटी होगा। इतना समझ में आया? चलो, वेयर इज देन वाटर स्कार्सिटी लाइकली टू अकर, तो वाटर स्कार्सिटी कहाँ हो सकता है। As you have read in the water cycle, fresh water can be obtained directly from precipitation, surface runoff and groundwater. तो जो तुम्हारा water है, fresh water है, वो कहाँ कहाँ से आता है? Fresh water precipitation से। precipitation बाबू बारिश होता है ना, तो ये अलग अलग तरीके का बारिश, मतलब बारिश जो drops वाला है water के form में, मतलब liquid के form में, यह तुम्हारा snow के form में भी हो सकता है, snowfall, ठीक है, ये सारा, इसीलिए इसको प्रीसिपिटेशन कह, रेनफॉल नहीं कह। अब सरफेस रन ऑफ, जब बारिश होती है तो सरफेस पर वाटर बहने लगता है ना, वो हो गया सरफेस रन ऑफ, और तीसरा हो गया ग्राउंड वाटर। तो फ्रेश वाटर का सोर्स ये तीनों है, प्रीसिपिटेशन, सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर। तो इज़ इट पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन में हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेज बट इज स्टिल फेसिंग वाटर स्कार्सिटी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी वहाँ पर वाटर की कमी है, स्कार्सिटी है, ऐसा हो सकता है क्या? क्वेश्चन कर रहा है। तो मेनी ऑफ आवर सिटीज़ आर सच एग्जांपल, तो हाँ ऐसा हो सकता है, बहुत सारा हमारा ऐसा सिटी है जहाँ पर पानी बहुत है लेकिन वहाँ वाटर स्कार्सिटी है, लेकिन वहाँ वाटर स्कार्सिटी है, ठीक है, क्यों है? दस वाटर स्कार्सिटी में बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कंसिक्वेंट ग्रेटर डिमांड्स फॉर वाटर एंड अन इक्वल एक्सेस टू इट। तो ये इसलिए है कि वाटर रिसोर्सेज भले ही ज़्यादा है लेकिन वहाँ पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा खाने का डिमांड, यानी कि उतना ज़्यादा खाने का डिमांड, जितना ज़्यादा खाने का डिमांड, जितना ज़्यादा पानी का डिमांड, उतना ज़्यादा पानी इस वाटर रिसोर्सेज में से क्या करेगा, लोग निकाल लेगा, तो फिर क्या होगा, पानी घट जाएगा। समझ में आया? देखो क्या कह रहे हैं कि वाटर तो है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा उसको नीड होगा पानी का, ठीक है, खाना खाने में, नहाने धोने में, बहुत सारे चीज़ में उसको पानी का यूज़ होगा। तो जितना इसमें से पानी वो निकालेगा ना, उतना इस पानी का, मतलब इसमें जो पानी है उसका लेवल डाउन होता जाएगा, मतलब क्या होने लगेगा, पानी ख़त्म होने लगेगा, स्कार्स होने लगेगा। अ लार्ज पॉपुलेशन मीन्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज़ बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड, हेंस टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाटर रिसोर्सेज आर बींग ओवर एक्सप्लॉयटेड टू एक्सपेंड इरीगेटेड एरियाज एंड ड्राई सीजन एग्रीकल्चर। देखो पहले क्या था कि पहले के टाइम पर ना लोग बारिश पर डिपेंड होते थे कि जब बारिश होगा तो क्या होगा, हमारा फसल उग जाएगा, अच्छा हमारा फसल होगा। लेकिन अभी के टाइम पर लोग क्या है कि लोग ग्राउंड में ही लोग
बोरिंग करवा लेते हैं, ठीक है, बोरिंग करवा लेते हैं और वही पानी को पटाना शुरू करते हैं, यानी कि ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं, ट्यूबवेल्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, लोग ट्यूबवेल्स यूज़ कर रहे हैं इरीगेशन के लिए, तो इससे क्या हो रहा है, ट्यूबवेल से ज़्यादा पानी नीचे से, मतलब ग्राउंड वाटर से ज़्यादा पानी लोग निकाल के फील्ड में डाल दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर का लेवल घटता जा रहा है, जो कि स्कार्सिटी जिसकी वजह से स्कार्सिटी आएगा एक दिन, ग्राउंड वाटर भी का पानी भी तो ख़त्म होगा। बारिश हो रहा है पूरे साल में मात्र 50 मीटर क्यूब पर ईयर, इतना बारिश हो रहा है हर साल में, लेकिन हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब ग्राउंड वाटर से निकाल ले रहे हैं 100 मीटर क्यूब हर साल। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जितना बारिश हो नहीं रहा है उससे ज़्यादा तो हम लोग उसको यूज़ कर ले रहे हैं, ग्राउंड वाटर निकाल ले रहे हैं, ऐसे में क्या होगा, हमारा वाटर स्कार्स हो जाएगा, वाटर ख़त्म हो जाएगा, वाटर की कमी हो जाएगी। यू मे हैव सीन इन मेनी टेलीविजन एडवर्टीजमेंट द मोस्ट फार्मर हैव देयर ओन वेल्स एंड ट्यूबवेल्स इन देयर फार्म्स फॉर इरीगेशन टू इंक्रीज देयर प्रोड्यूस, बट हैव यू एवर वंडर्ड वॉट दिस कुड रिजल्ट इन, दैट इज दैट इट मे लीड टू फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल एडवर्सिंग अफेक्टिंग अ वाटर अवेलेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। समझ में आया, जो समझाए थे अभी थोड़ी देर पहले, वही ग्राउंड वाटर कम कैसे होगा, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। जब हमारा देश आज़ाद हो गया ब्रिटिश से तो क्या होने लगा, हमारे इंडस्ट्री ज़्यादा सेटअप होने लगी, क्या होने लगा, हमारे इंडस्ट्री ज़्यादा सेटअप होने लगी, लोग शहर में रहने लगे, क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर अस। टूडे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज आर एज कॉमन प्लेस एज द इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ मेनी एमएनसीज। अभी के टाइम पर क्या हो रहा है, जितने भी एमएनसी है ना, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जिस मान लो एक देश में ये कंपनी है ना, तो ये बाकी देश में भी अपनी कंपनी ओपन किए हुई है, तो हम इसको बोलेंगे एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। तो आज के टाइम पर हमारे यहाँ बहुत सारा एमएनसी है, बहुत सारा मल्टीनेशनल कंपनी है, और एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ हैज़ मेड मैटर वर्स बाई एग्जर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बींग हैवी यूजर ऑफ वाटर ऑल्सो रिक्वायर पावर टू टर्न रन देम। देखो क्या है कि जो आपके इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री वाटर को यूज़ करता है। एक एग्जाम्पल नॉर्मल, अगर कोई टेक्सटाइल का इंडस्ट्री है, मतलब कपड़े का इंडस्ट्री है, तो वो पानी को यूज़ क्यों करेगा, कपड़े को धोने के लिए, तो वाटर को तो यूज़ कर ही रहा है अपने इंडस्ट्रीज़ में। जितना ज़्यादा एमएनसी का इंडस्ट्री होगा, कंपनी होगा, उतना ज़्यादा वाटर का डिमांड होगा, है ना, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन का डिमांड होगा। प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा आपका, उतना ज़्यादा वाटर का डिमांड बढ़ेगा। और वो वाटर का डिमांड ऐसा तो नहीं है ना कि आप कहीं किसी से कर रहे हैं, वो आपको उठा कर ला कर दे देगा, नहीं, जो आपके पास प्रेजेंट नदी है, नहर है, या जो भी आपका सी है, उसी में से आपको लेना पड़ेगा पानी। अगर आप ज़्यादा यूज़ करिएगा तो वो भी पानी का लेवल घट जाएगा। तो लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल यूज़ जो वाटर का है वो तो करते ही करते हैं, साथ में इसका यूज़ करते हैं पावर सप्लाई के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए। मच ऑफ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। किसके लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं बाकी। तो इंडिया में टोटल 22% वाटर जो है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है, टोटल हमारे इंडिया में जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी उसमें से 22% जो इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट है ना, ज़रूरत है ना, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से पूरा होता है, यानी कि पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बना है ना, उससे पूरा होता है। मोर ओवर मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विथ लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन। और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे लोग शहर में आना शुरू आते जा रहे हैं, जैसे जैसे शहर में लोग अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा होते जा रहा है, अर्बन लाइफस्टाइल वैसे वैसे चेंज होते जा रहा है, एंड अर्बन लाइफस्टाइल हैव नॉट ओनली एडेड टू वाटर एंड एनर्जी, रिक्वायरमेंट बट हैव फर्दर एग्रेवेटेड द प्रॉब्लम्स। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे वाटर का डिमांड तो बढ़ ही रहा है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो
हो रहे हैं। इफ़ यू लुक इनटू द हाउसिंग सोसाइटीज़ और कॉलोनीज इन द सिटीज़, यू वुड फाइंड दैट मोस्ट ऑफ दिस हैव देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस टू मीट देयर वाटर नीड्स। आज के टाइम पर क्या है कि हर एक के घर में मोटर लगा हुआ है ना। वो क्या होता है, उसमें मोटर से पाइप जाता है ज़मीन के अंदर, वहाँ से ग्राउंड वाटर को वो लेकर आता है और हमें नल में पानी दे देता है, समझे। तो बहुत सारे आज के टाइम पर तो मैक्सिमम घर में मोटर लग ही गया है। नॉट सरप्राइजिंगली वी फाइंड दैट फ्रेगाइल वाटर रिसोर्सेज आर बींग ओवर एक्सप्लोइटेड एंड हैव कॉज्ड देयर डिप्लीशन इन सेवरल ऑफ दिस सिटीज़। तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा मोटर लगाएगा, उतना ज़्यादा वो पानी खींचेगा, जितना ज़्यादा पानी खींचेगा पानी का लेवल उतना ज़्यादा डाउन होता जाएगा, वाटर की स्कार्सिटी होती जाएगी। So far we have focused on the quantitative aspects of water scarcity. Now let us consider another situation where water is sufficiently available to meet the need of the people. देखो अभी तक तो देख लिए, ठीक है, एक सिचुएशन स्कार्सिटी वाला, अब हम लोग क्या देखेंगे, अवेलेबिलिटी वाला। स्कार्सिटी देख लिए कैसे कमी होता है, कहाँ कमी है, अब अवेलेबिलिटी का देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, water is sufficiently available to meet the needs of the people but the area still suffers from water scarcity. This scarcity may due to bad quality of water. एक कोई जगह है जहाँ पर पानी तो खूब है लेकिन फिर भी वाटर की स्कार्सिटी है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वहाँ का पानी जो है वो पानी खराब हो। क्या हो? पानी खराब हो, यानी कि बैड क्वालिटी हो वाटर का। लेटली देयर हैज़ बीन अ ग्रोइंग कंसर्न दैट इवन इफ देयर इज एम्पल वाटर टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, मच ऑफ इट मे बी पॉल्यूटेड बाई डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। तो पानी खराब कैसे हो गया? पानी अपने से तो खराब नहीं हुआ, पानी खराब हुआ हम लोग जो घर के लोग जो कचरा फेंकते हैं या इंडस्ट्री के लोग जो कचरा फेंकते हैं पानी में, उससे पानी खराब हुआ, केमिकल से खराब हुआ, पेस्टिसाइड से, फर्टिलाइजर से, इन सारी चीज़ से पानी खराब हो गया। ठीक है, तो पानी बहुत सारा था लेकिन क्या हुआ, पानी आपका खराब हो गया उन सब रीजन से। तो इंडियाज रिवर स्पेशली द स्मॉलर वंस हैव ऑल टर्न इनटू टॉक्सिक स्ट्रीम्स। तो आज के टाइम पर क्या हो गया कि हमारा इंडिया का जो छोटा छोटा रिवर है ना, वो सारा टॉक्सिक बन चुका है, मतलब जहरीला बन चुका है। क्यों? यही सब जितना भी गार्बेज वगैरह है वो लोग डंप करते हैं, डोमेस्टिक भी और इंडस्ट्री भी दोनों डंप करते हैं रिवर में, इसलिए वो क्या बन गया है, जहरीला बन गया है। एंड इवन द बिग वंस लाइक गंगा एंड यमुना आर फार फ्रॉम बींग प्योर। और इसी के कैटेगरी में गंगा और यमुना भी आने लगा है, ठीक है, टॉक्सिक स्ट्रीम्स के। द असॉल्ट ऑन इंडियाज रिवर्स फ्रॉम पॉपुलेशन ग्रोथ, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इनॉर्मस एंड ग्रोइंग बाय द डे, दिस इंटर लाइफ स्टैंड्स 310। तो क्या है कि हमारा वाटर का स्कार्सिटी, वाटर गंदा क्यों हो रहा है, बढ़ते हुए पॉपुलेशन की वजह से, एग्रीकल्चर जो बढ़ रहा है मॉडर्नाइज हो रहा है उसकी वजह से, और जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है शहर में लोग आकर रह रहे हैं, जितना ज़्यादा इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इन सब के वजह से हमारा वाटर ऐसा हो रहा है। ठीक है, वाटर का क्वालिटी बैड हो रहा है, वाटर का स्कार्सिटी हो रहा है। यू मे हैव ऑलरेडी रियलाइज दैट द नीड ऑफ द आवर इज टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज। स्कार्सिटी हम लोग देख लिए, अब हम लोग देख रहे हैं कंजर्वेशन, कि वाटर रिसोर्सेज जो है, एक मिनट, वाटर रिसोर्सेज जो है उसको कंजर्व कैसे करेंगे। तो टू सेफ गार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड, टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, कंटिन्यूशन ऑफ आवर लाइवलीहुड्स एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेशनल सिस्टम। तो हम कंजर्व क्यों करते हैं वाटर को, कंजर्व क्यों करते हैं वाटर को, कंजर्व हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा जो हेल्थ है ना वो हेल्थ बना रहे, हमारा हेल्थ सही रहे। गंदा पानी पिएंगे तो बीमार पड़ ही जाएंगे, तो उससे बचने के लिए, बीमार होने से बचने के लिए हम लोग वाटर को कंजर्व कर रहे हैं। उसके बाद फूड सिक्योरिटी, बिना पानी के खाना पक नहीं सकता, तो खाना पकाने के लिए पानी चाहिए ना, खाना उगाने के लिए पानी चाहिए ना, तो उन सब चीज़ों के लिए भी हम लोग वाटर को क्या कर रहे हैं, कंजर्व करेंगे। ओवर एक्सप्लोटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज विल इम्पोवरिश दिस रिसोर्स एंड काउज इकोलॉजिकल क्राइसिस दैट मे हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। तो क्या होता है, वाटर को हम लोग ओवर एक्सप्लोइट कर लेते या फिर सही से यूज़ नहीं कर पाते, इस वजह से वाटर का क्राइसिस हर जगह होने लगता है। समझ में आ गया, स्कार्सिटी समझ में आया, कंजर्वेशन का इंट्रोडक्शन समझ में आया, क्यों कंजर्वेशन करते हैं। अब देखो कंजर्वेशन कैसे करेंगे, तो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट करके। बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर, क्वेश्चन बोले ना कि कैसे कंजर्व करेंगे,
तो आर्कोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शो दैट फ्रॉम एंशियंट टाइम्स वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग डैम्स बिल्ट ऑफ स्टोन रबल रिजर्वॉयर्स और लेक्स एम्बैकमेंट्स एंड कैनल्स फॉर इरीगेशन. तो पहले के टाइम से ही ना, मतलब काफ़ी एंशियंट टाइम से ही हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब कि डैम्स बना रहे हैं. पहले डैम्स बनता था स्टोन का, पत्थर का डैम्स बनता था, ऐसे 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 कर करके डैम बनाता था लोग, ठीक है. और क्या करता था, रिजर्वॉयर्स बनाता था, लेक्स बनाता था. कैसे, गड्ढा कर दिया, गड्ढा करके रिवर से कनेक्ट कर दिया, वो पानी इसमें आएगा, गड्ढे में पूरा भर जाएगा पानी, बढ़ते बढ़ते ऊपर हो जाएगा. तो क्या हो गया, रिजर्वॉयर बना दिया, लेक्स बना दिया, एम्बैकमेंट्स और कैनल्स बनाया, ठीक है. इन सब को यूज़ करता था लोग पहले का इरिगेशन में. मतलब पहले से ही हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन जो है, वाटर का जो मैनेजमेंट है, कंजर्वेशन है, वो पहले के टाइम से चला रहा है. तो नॉट सरप्राइजिंगली वी हैव कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशन इन मॉडर्न इंडिया बाय बिल्डिंग डैम्स इन मोस्ट ऑफ आवर बेसिन. तो जैसे पहले हम लोग कर रहे थे, डैम बना रहे थे, वैसे अभी भी हम लोग कर रहे हैं, डैम बना रहे हैं. लेकिन पहले रिक्वायरमेंट क्या था, अब रिक्वायरमेंट क्या है, ये समझो. पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में यूज़ करते थे, और अब बहुत सारे जगह यूज़ करते हैं, इरिगेशन में यूज़ करते हैं, फिर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, फिर डोमेस्टिक सप्लाई में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री सप्लाई में यूज़ करते हैं, तो बहुत सारा यूज़ करते हैं. इसलिए इसका नाम दिया है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट. देखो एंशियंट टाइम का एविडेंस, कि एंशियंट टाइम पर भी हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर था. तो फर्स्ट सेंचुरी में, यानी कि BC 1 में क्या हुआ, जो सेरिंगावेरा पूरा है, जो कि इलाहाबाद में है, वहाँ से वहाँ बनाया गया था तुम्हारा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. क्या बनाया गया था, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. क्या कहाँ बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपको इलाहाबाद के सेरिंगावेरापुरा में, BC 1 में. तो ड्यूरिंग द टाइप ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डैम्स लेक्स इरीगेशन सिस्टम्स वर एक्सटेंसिवली बिल्ड. और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ना सबसे ज़्यादा डैम्स बनाया गया, सबसे ज़्यादा लेक्स बनाया गया, सबसे ज़्यादा इरीगेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया. एविडेंसेज ऑफ सफिस्टिकेटेड इरीगेशन वर्क्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा, नागार्जुनाकोंडा, बेनूर और कोल्हापुर. और ये जो इम्प्रूव्ड इरीगेशन सिस्टम का, मतलब जो इरिगेशन सिस्टम जो बेहतर होते गया, उसका एविडेंस हम लोग को मिला है कि टाइम टू टाइम कैसे चेंज हो रहा था, कलिंगा में और यानी कि ओडिशा में, नागार्जुनकोंडा में यानी कि आंध्र प्रदेश में, बेनूर कर्नाटका और कोल्हापुर महाराष्ट्र में. उसके बाद देखिए 11th century BC भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इट्स टाइम वाज बिल्ड. 11th century के टाइम पर ना भोपाल लेक, जिसको हम लोग जानते हैं, वो बनाया गया था, जो कि सबसे बड़ा आर्टिफिशियल, यानी कि लोगों ने खुद गड्ढा कर दिया यहाँ, और उसमें फिर पानी कनेक्ट कर दिया रिवर से, वो पानी आकर भरा गया, बारिश से पानी भरा गया. तो आर्टिफिशियल लेक बनाया गया था सबसे पहला, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा, पहला तो नहीं बोल सकते हैं, सबसे बड़ा 11th century के टाइम पर भोपाल लेक, जिसको भोपाल लेक नाम से जानते हैं. और 14th century में जो टैंक है ना, टैंक जो है हौज खास में, यानी कि दिल्ली में, उसको बनाया था इल्तुतमिश ने. क्यों, वाटर को सप्लाई करने के लिए सिरी फोर्ट एरिया तक, यानी कि दिल्ली से, यानी कि हौज खास से सिरी फोर्ट तक, सिरी किला तक भेजने के लिए टैंक सिस्टम बनाया गया था, वाटर को सप्लाई करने के लिए यहाँ से वहाँ. क्लियर हो गया बाबू, चलो अब आगे बढ़ते हैं. वाटर डैम्स, डैम्स होता क्या है, एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर. और हम कैसे उसको यूज़ करके वाटर को कंजर्व करते हैं. तो डैम्स वर ट्रेडिशनली बिल्ट टू इम्पाउंड रिवर्स एंड रेन वाटर दैट कुड बी यूज्ड टू लेटर टू इरीगेट एग्रीकल्चर फील्ड. तो पहले के टाइम पर हम लोग डैम्स को क्यों यूज़ करते थे, हम लोग उसका यूज़ करते थे पानी को कंजर्व करने के लिए, और फिर उस पानी को हम लोग यूज़ करते थे इरीगेशन में. लेकिन टुडे डैम्स आर बिल्ड नॉट जस्ट फॉर इरीगेशन बट फॉर इलेक्ट्रिक जनरेशन, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूजेस. अभी के टाइम पर हम लोग डैम्स क्यों बना रहे हैं, अब पहले इरीगेशन के लिए करते थे, लेकिन अब इरीगेशन के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं, उससे वाटर सप्लाई भी दे रहे हैं डोमेस्टिक को, मतलब हर घर घर में, इंडस्ट्री को दे रहे हैं, फ्लड को कंट्रोल कर रहे हैं, रिक्रिएशन कर रहे हैं, इनलैंड नेविगेशन कर रहे हैं, और फिश ब्रीडिंग कर रहे हैं. देखो क्या है, अब एक एक करके समझो. इरीगेशन तो समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. देखो
ये डैम है ना, ये डैम है, ठीक है, क्या है, डैम है, ये हो गया तुम्हारा डैम हो गया। पीछे क्या होता है, रिजर्वायर बनता है, मतलब ढेर सारा पानी इधर रहता है, यहाँ गेट लगा रहता है ढेर सारा, उस गेट से क्या होता है, और यहाँ पे बेस में टरबाइन लगा रहता है तुम्हारे, ये टरबाइन जो है ऊपर कनेक्ट होता है जनरेटर से, और ये जनरेटर कनेक्ट होता है पावर हाउस से, पावर सप्लाई से। तो पानी इस गेट से खुलेगा, गिरेगा टरबाइन पर, फिर टरबाइन इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा सब। जब मूव करना शुरू करेगा तो इससे जो कनेक्टेड जनरेटर है वो भी मूव करना शुरू करेगा, जनरेटर मूव करेगा तो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और फिर इलेक्ट्रिसिटी सारा कहाँ चला जाएगा, पावर हाउस में, पावर हाउस में स्टोर होगा, फिर वहाँ से बटना हर जगह इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए आप लोग फ्लड कंट्रोल के ऊपर। तो डैम बना रहे हैं तो बारिश का मतलब जो पानी था वो पानी बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन बढ़ रहा है, फिर भी इस डैम के वजह से वो पानी रुका हुआ है, और नहीं तो पानी एक बार में अगर जाता तो पूरा बाढ़ ला देता। तो पानी को रोकने का भी एक लिमिट होता है, ज़्यादा अगर पानी ऊपर से गिरने लगेगा मतलब ओवर हो जाएगा तो क्या करेगा, गेट पूरा खोल देगा, एक बार में पानी एकदम तेज़ी से जाएगा, जिसके वजह से जितना भी इधर का रिवर होगा वहाँ बाढ़ आ जाएगा। उसके बाद देखिए रिक्रिएशन, रिक्रिएशन क्या है कि वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से वाटर सी से आ रहा था बहकर, लेकिन उसको रोक दिए, और रोक कर फिर इधर हम अपने तरीके से इधर फिर पानी को बहाए, तो पानी को बहाए तो क्या हो गया, इसका एक नेचुरल फ्लो टूट गया, नेचुरल फ्लो टूट कर यहाँ से फिर वो पानी आगे गया, तो इसको बोल दिया रिक्रिएशन। उसके बाद इनलैंड नेविगेशन, अब देखो ये जो डैम है तो इधर जितना भी पानी आया तो पानी अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आया होगा, और लेकर आएगा तो पानी ऊपर हवा में थोड़ी ना तैराएगा, उसको क्या करेगा, पानी, ये पानी है और ये ज़मीन है तो इसके सरफेस पर रहेगा, तो यानी कि अगर ये डैम है, ठीक है, और इधर से पानी आ रहा था तो कहाँ जाएगा, यहाँ सरफेस पर हर चीज़ आकर जमा हो जाएगा, तो लोग सोनार को यूज़ करेंगे, नेविगेशन करेंगे कि हाँ ज़मीन के नीचे क्या क्या मटेरियल आया है पानी के साथ, और उसको रिसीव होगा इम्पल्स, पता चल जाएगा क्या क्या आया है। उसके बाद फिश ब्रीडिंग के लिए, फिश ब्रीडिंग भी ऐसे में बहुत अच्छा होता है, मतलब जो फिश को जो डैम बना ना, तो यहाँ पर लोग अपना फिश को ब्रीड भी करवा सकता है, फिश को पाल भी सकता है रिजर्वायर में, समझे। हेंस डैम्स आर नाउ रेफर टू एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वेयर द मेनी यूजेज ऑफ द इम्पॉर्टेंट वाटर आर इंटीग्रेटेड विथ वन अनदर। तो क्या हो गया, तो इतना सारा यूज़ है ना डैम का, इसीलिए डैम को कहा गया है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल लाइक देखो, सतलज ब्यास रिवर बेसिन जो है भाखरा नंगल में, यहाँ पर वाटर इज बींग यूज बोथ फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरीगेशन। ठीक है, तो सतलज ब्यास रिवर बेसिन जो है भाखरा नंगल में, ठीक है, भाखरा नंगल डैम के ऊपर, ये भाखरा नंगल डैम है ना, तो ये सतलज ब्यास रिवर बेसिन जो बना उसमें का पानी कहाँ यूज़ हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए और इरिगेशन के लिए यूज़ हो रहा है। और जो हीराकुंड डैम है महानदी बेसिन के ऊपर, वहाँ पर पानी यूज़ हो रहा है तुम्हारा वाटर को कंजर्व करने के लिए और फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, पानी बचा कर रखने के लिए और बाढ़ से बचने के लिए। तो अ डैम इज़ अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वायर लेक और इम्पाउंडमेंट। डैम क्या करता है, डैम पानी अपना नेचुरल फ्लो में बह कर आ रहा है उसको रोक दे रहा है, और रोक कर फिर उसको अपने से डायरेक्शन दे रहा है, क्या कर रहा है, अपने से डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है, और रिटार्ड कर दे रहा है फ्लो को, यानी कि यहाँ स्पीड में पानी बहते हुए आ रहा था, इसको रोक दिया, फिर धीरे धीरे करके पानी को भेजने लगा, यानी कि वाटर का फ्लो भी तोड़ दिया, स्लो कर दिया। डैम रिफर्स टू द रिजर्वायर रादर देन द स्ट्रक्चर। डैम हम इसको नहीं कहते हैं, स्ट्रक्चर को नहीं कहते हैं, बल्कि जो इसके साथ रिजर्वायर बना होता है ना, इसको मिला कर कहते हैं कंप्लीट। मोस्ट डैम्स हैव अ सेक्शन कॉल्ड अ स्पिल वे। अब डैम्स है तो उसमें गेट होगा ही, इसी को वियर भी कहते हैं, ओवर विच और थ्रू विच इट इज़ इंटेंडेड दैट वाटर विल फ्लो इधर इंटीमेटली और कंटिन्यूसली। तो जो डैम का जो गेट होता है ना, आपके डैम का जो गेट होता है ना, उस गेट पर डिपेंड करता है कि ये गेट पानी धीरे धीरे करके निकालेगा या एक ही बार में निकालना शुरू कर देगा, ठीक है, इंटीमिटेंटली करेगा या कंटिन्यूसली करेगा। तो डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पर डैम को और हाइट के अकॉर्डिंग पर डैम को क्लासिफाई कर दिया गया है। तो क्या कैसे कैसे बांटा गया डैम को, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर, मटेरियल जो भी उसमें यूज़ हुआ है उसके बेसिस पर डैम्स को क्लासिफाई किया गया, टिम्बर डैम्स में, एम्बैंकमेंट डैम्स में और मशीनरी डैम्स में। टिम्बर डैम्स जो लकड़ी का डैम्स बना होता है, एम्बैंकमेंट डैम्स जो रिवर के किनारे पर बना होता है, और मशीनरी डैम्स, ठीक है, जो नॉर्मल यूजेस के लिए होता है विथ सेवरल सब टाइप्स। अब इनमें भी और सारी कैटेगरी है। तो अकॉर्डिंग टू द हाइट, अब हाइट के अकॉर्डिंग डैम्स को क्लासिफाई किया गया है, लार्ज डैम्स, मेजर डैम्स, अल्टरनेटिवली इसको कह सकते हैं लो डैम्स, मीडियम डैम्स और हाई डैम्स के बेसिस पर। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच वर थॉट एज द व्हीकल दैट वुड लीड द नेशन टू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ओवरकमिंग द हैंडीकैप ऑफ इट्स कॉलोनियल पास्ट, जवाहरलाल नेहरू कॉलोनियल पास्ट। अब देखो क्या है कि इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद जितना भी डैम बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया ना, वो किया गया ताकि हमारा जो देश है वो डेवलप करे, प्रोग्रेस करे। क्योंकि कॉलोनियल पास्ट में, मतलब जब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करते थे, तो हमारे को एक्सेस नहीं था कि हम डैम बनवाएं, ये सब काम कराएं। तो उस टाइम जितना भी पैसा आता था वो जाता था ब्रिटिश को। लेकिन इंडिपेंडेंस, आज़ादी मिलने के बाद जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसका पैसा किसको आएगा, हम लोग को। तो हम जो डैम बनवा रहे हैं उससे जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा उसको बेच कर पैसा कौन कमाएंगे, हम लोग कमाएंगे, तो हमारा देश डेवलप करेगा, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम्ड द डैम्स एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो डैम्स है ना, ये डैम्स आपका टेम्पल है मॉडर्न इंडिया का। मतलब ये जो डैम्स है इसी पर सारा लोग आने वाले, मतलब मॉडर्न इंडिया जो इंडिपेंडेंस के बाद का जो इंडिया है, उस डैम्स पर सारे लोग डिपेंड करेंगे। द रीज़न बींग दैट इट वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी विथ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। तो जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा क्यों कहा, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों कहा डैम्स को, क्योंकि आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट भी डैम्स ही कराएगा, मतलब डैम्स का जो वाटर है वही कराएगा, इंडस्ट्रीज़ को भी बढ़ावा वही देगा, अर्बन इकोनॉमी को भी बढ़ावा वही देगा। तो डैम्स में जो पानी स्टोर है रिजर्वायर में, उसी पानी का यूज़ एग्रीकल्चर में करेंगे, इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमी भी इंक्रीज़ करेगा। इतना समझ में आया आप लोग को, कितना बचा है अब इधर का बचा हुआ है, उसके बाद फिर पहुंचेंगे इधर फ्लड के ऊपर। देखो आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, इतना ही रहने दीजिए यहाँ तक का। अब नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे 27 पेज नंबर से स्टार्ट करेंगे, 26 पेज नंबर तक पढ़ लिए हम लोग, अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग 27 पेज नंबर से। बस अब नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, बैटरी क्योंकि लो हो गया है, ठीक है ना, नेक्स्ट में यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। कोई भी डाउट होगा, समझने में दिक्कत हो रहा होगा, नीचे कमेंट करिएगा, हम एक और वीडियो बना देंगे, अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।